गिरिडीह की उपनगरी पचम्बा में चार पहिया वाहन और स्कूटी चालक के बीच ओवरटेकिंग को लेकर मामले से बात पर तीखी नोकझोंक होते हुए हिंसक झड़प में बदल गई। दो समुदाय आमने सामने टकरा गए, जमकर चली धक्का मुक्की। हाथापाई के दौरान अरबाज नामक युवक सड़क पर गिर गया और उसके कान में चोट आई, जिससे खून बहने लगा। खून बहता देखकर एक खास समुदाय ने उग्र रूप से मारपीट करने लगे, जिसमें पचम्बा थाना क्षेत्र स्थित कजरो निवासी सुधीर कुमार यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। सुधीर कुमार यादव पचम्बा हटिया रोड स्थित गोपाल फैशन में बतौर स्टाफ काम करता था। मामले की सूचना पाकर पचम्बा थाना प्रभारी सर दलबल घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर गिरिडीह सदर SDPO, SDM, DSP, साइबर DSP पहुंचे और मोर्चा संभाला। समाचार मिलने तक स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में थी। दोनों समुदायों से घायल को इलाज हेतु सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया गया। पचम्बा में गिरिडीह पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा। दोस्त हम लोग गिरिडीह जा रहे थे और इधर से फोर व्हीलर एक आ रहा था और वो लोग स्कूटी लेके जा रहा था, तो इतने में उस सबके बीच कुछ हुआ, बोला बोली। उतने में मेरा दोस्त गया, उसको हल्का बोला सेट करो, उन्हें किया, उतने में गाली बका बकी फाइट चला दिया डायरेक्ट। उतने में मारा मारी, फिर पॉकेट से अस्तूरा निकाल के वो मार दिया। क्या नाम हो उसका? नाम सानू था उसका नाम। गोपाल डालमिया का उसका बेटा होता था, उसकी स्टाफ पूरा दुकान वाला औजार लेके आ गया था। हाँ वही मिंकू का बेटा था और रड उड लेके भी आया था। विक्रम सानू सुबह संख्या होंगे पूरा हटिया रोड के जितना भी लगता था सब आया। राजीव और इसको मार दिया बहुत।